नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था। एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नर्तक, टेलीविजन व्यक्तित्व, एक उद्यमी और एक परोपकारी व्यक्ति थे। राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिक से की थी। उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल, उसके बाद जी टीवी के लोकप्रिय सोप ओपेरा पवित्र रिश्ता में एक पुरस्कार विजेता उनका प्रदर्शन रहा था। राजपूत ने अपना फिल्म डेब्यू काई ड्रामा काईपो 6 से किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी शुद्ध देसी रोमांस 2013 में अभिनय किया था। एक्शन थ्रिलर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में जासूस के रूप में काम किया था। उनकी सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म व्यंग पीके थी, जिसमें सहायक भूमिका के रूप में वो नजर आए थे। इसके बाद स्पोर्ट्स बायोपिक एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल ने सीनियर रेजिडेंट पद के लिए आवेदन की मांग की है, जिसमें रिक्तियों की कुल संख्या 121 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम, एमएचपीजी की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए निर्धारित उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 27 से 30 जनवरी 2021 के बीच में लिए जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स भोपाल के आधिकारिक वेबसाइट www.aimsbhopal.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। बिहार में बस एक क्लिक में दिखेगा जमीन का 100 साल पुराना रिकॉर्ड। बिहार में बस एक ही क्लिक में अब आम नागरिकों को जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड को दिखाया जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू होने से फर्जी कागज की मदद से सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब जमाबंदी पंजी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी कोई नहीं बना सकेगा। इतना ही नहीं, अब भूदान की जमीन ना तो रिकॉर्ड से गायब होगी और ना ही एक ही जमीन का दोबारा पर्चा बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के आ जाने से सरकारी जमीन की पैमाइश बार कराने के झंझट से भी छुट्टी मिलेगी। बिहार में कोरोना के कहर से मिल रही है राहत। कोरोना के इस माहौल के बीच बिहार वासियों को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत बिहार में कोरोना संक्रमण की दर घटकर मात्र 0.2% रह गई है, यानी कि आधा फीसदी से भी कम। बुधवार को राज्य में 87,692 सैंपल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 209 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले एक सप्ताह में राज्य में 0.1% से 0.4% तक ही संक्रमण की दर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के 12 जिलों में कोरोना के एक भी नए संक्रमितों की पहचान नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया, भोजपुर, बक्सर, शिवहर, गोपालगंज, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, जमुई, शेखपुरा और किशनगंज में सैंपल जांच के बाद एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। एडमिट कार्ड के फोटो में गड़बड़ी होने पर छात्र ना हो परेशान। अगले महीने से बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। वहीं छात्रों के एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया गया है। वहीं एडमिट कार्ड में कई छात्रों ने फोटो को लेकर शिकायतें दर्ज की है, जिसके बाद अब छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने यह साफ कहा है कि मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में अगर फोटो किसी दूसरे छात्र का लग गया हो या फोटो स्पष्ट नहीं है तो इसके लिए परीक्षार्थियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे छात्र अपना एडमिट कार्ड की जगह आधार कार्ड की मदद से केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस बार बिहार बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देगा जिनका प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि होगी। इसके साथ ही अगर उत्तर पुस्तिका, ओएमआर, उत्तर पत्रक, उपस्थिति पत्रक में भी फोटो की त्रुटि हुई है तो छात्र अब परीक्षा दे सकेंगे। मधेपुरा और पूर्णिया ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा शुरू। मधेपुरा पूर्णिया कोटा रेलखंड के बीच में विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद 78 किलोमीटर के इस खंड में विद्युतीकरण का काम इसी साल अक्टूबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। यह काम हो जाए तो मानसी से पूर्णिया कोट तक इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन बेधड़क चलेगी। सहरसा में इसी महीने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी तैयार हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर स्थित मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बीते दिन कोसी के प्रमुख शहरों का दौरा करते हुए उक्त बातें कही हैं। सहरसा, मध्यपुरा और सुपौल समेत अन्य छोटे बड़े स्टेशन के दौरे के क्रम में उन्होंने कहा है कि अगले महीने तक तापगंज और निर्मली के बीच रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मार्च महीने तक सुपौल से फारबिसगंज तक अमान
परिवर्तन का काम हो जाएगा। बिहार के सभी पंचायतों में बनाया जाएगा बस स्टॉप। अब बिहार के सभी पंचायतों में आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप बनाने का निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी पंचायतों में बस स्टॉप बनने वाला है। परिवहन विभाग की तरफ से अगले 2 साल में राज्य के सभी 8,387 पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिलहाल राज्य के 500 पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण हो रहा है। विभाग की तरफ से अब मुख्यमंत्री परिवहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही पंचायत से प्रखंड तक गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन पंचायत से गाड़ियां खुलने का कोई स्थान फिलहाल तय नहीं है। इसको देखते हुए विभाग ने तय किया है कि हर पंचायत में बस स्टॉप का निर्माण हो। प्रदेश में प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नियंत्रण करने को लेकर बिहार सरकार ने नया फैसला लिया है। आगामी महीने से बिहार की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बस दौड़ती नजर आने वाली है। शुरुआती दौर में बिहार के 3 शहरों में इस सुविधा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें राजधानी पटना के साथ साथ बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर में इस सुविधा की शुरुआत होने वाली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अनुसार पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक बस से खरीदने की योजना बनाई गई है, जिनके लिए टाटा लीलैंड से करार किया गया है। इन 25 बसों में 21 पटना में और 2-2 बस मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में चलेंगी। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाश प्रक्रिया हुई शुरू। हर पंचायत चुनाव 2021 को लेकर सभी जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है राज्य में, जिसके बाद 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन का काम होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है। इसी बीच में मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने और संशोधन के लिए दावा एवं आपत्ति इत्यादि के निपटारे की कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने देश में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में 20 पृष्ठ का बुकलेट किया जारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने देश में कई महीने से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में 20 पृष्ठ का बुकलेट जारी किया है, जिसका नाम कांग्रेस ने खेती खून का 3 काले कानून को जारी किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहमगत प्रमंडल, कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिठू, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सरवर खान समेत कई नेताओं ने एक सुर में कहा है कि कल देश के साहसी, सजग, ईमानदार, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस बुकलेट को जारी कर दिया है और कहा है कि देश के 62% किसान लगातार अपने जायज मांग को लेकर इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बढ़ते अपराध और गिरती विधि व्यवस्था के साथ ही केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ जगनपुरा मोड़ बाईपास पर आयोजित 1-दिवसीय उपवास और धरना के दौरान अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि ये कानून कोरोना काल में सत्ता एवं रसूख के बल पर लोकसभा में जबरदस्ती पास कराए गए हैं। देश की जनता को इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए 30 जनवरी को राज्य द्वारा बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला में भागीदारी का आह्वान किया है। शाहनवाज हुसैन ने बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की कही बात। केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके शाहनवाज हुसैन को भाजपा ने अपनी तरफ से हाल ही में विधान परिषद का प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि शाहनवाज का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं शाहनवाज हुसैन ने भी मीडिया हाउस से हाल ही में खास बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने बिहार की जनता को लेकर और बिहार को लेकर कई बातें कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तब भी हमने कहा नहीं था बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। बिहार में अल्पसंख्यक लोगों को शामिल करने को लेकर उन्होंने आगे कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं, और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर भी खूब निशाना साधा। वैक्सीनेशन को लेकर आया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को जल्द ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना फैसला जारी किया है और कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। मिली जानकारी के अनुसार जो सांसद और विधायक 50 साल से ऊपर के हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किए गए ट्वीट पर ट्रोल हुई कंगना। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए कई महीनों का समय गुजर चुका है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का आज जन्मदिन भी है। वहीं सुशांत
को लेकर कंगना के ट्वीट ने एक बार फिर से ट्विटर पर बहस शुरू कर दी है, जिसके तहत कंगना ने लिखा कि सुशांत डे को लाइफ के सेलिब्रेशन के तौर पर मनाने के साथ ही हमें यह याद रखना होगा कि कोई हमें यह ना बताए कि तुम अच्छे नहीं हो, अपने से ज्यादा किसी और पर भरोसा ना करो। जिस पर गुस्साए कुछ यूजर ने लिखा कि सुशांत के जन्मदिन पर राजनीति ना करें। एक यूजर ने लिखा है कि आप सीधे तौर पर जन्मदिन की बधाइयां दे सकती थी, आज हमें सिर्फ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए। ऋषभ पंत ने अपने अलग पहचान बनाने की कही बात। भारतीय टीम हाल ही में बॉर्डर गवास्कर सीरीज पर अपना नाम दर्ज करने के बाद स्वदेश वापस लौट चुकी है। हालांकि इस मैच में ऋषभ पंत की खूब तारीफ हो रही है, जिसके बाद अब ऋषभ पंत ने भी अपने क्रिकेट के सफर को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाने के बाद वो खेल में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। पंत की अक्सर दो बार से विश्व विजेता कप्तान धोनी से तुलना की जाती रही है। धोनी से तुलना किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह शानदार है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी से तुलना की जाए। मैं भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हूं, क्योंकि किसी युवा खिलाड़ी की किसी दिग्गज से तुलना करना सही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टीका देने का निर्णय सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।